खार्किव में एक बार फिर रूस ने स्ट्राइक की है। रूस ने अपने S-300 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के जवानों पर बम बरसाए हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और यूक्रेन के जवानों पर ये अटैक किया गया है, उन्हें टारगेट करके बम बरसाए गए हैं। रूस की तरफ से बमबारी की गई है यूक्रेन के जवानों पर और S-300 लड़ाकू विमान की मदद से ये स्ट्राइक खार्किव में रूस ने की है। यूक्रेन के जवानों पर रूस की तरफ से बम दागे गए हैं। यूक्रेन के खार्किव से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। S-300 की मदद से यह हमला रूस ने किया है। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला दूसरी महिला की पिटाई करती नजर आई। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो सामने वाली महिला को बुरी तरह पीटती दिखी। सामने आए वीडियो में वो दूसरी महिला की तरफ बढ़ती नजर आई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उन्होंने डंडे से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान दूसरी महिला के हाथ में भी डंडा था, लेकिन वो हमला नहीं कर सकी, जबकि दूसरी महिला लगातार डंडे से पिटाई करती रही। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पास खड़ी एक तीसरी महिला ने उन्हें छुड़ाया। बताया गया कि दोनों के बीच मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा शुरू हुआ था। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जो अब लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। कहीं पर सड़क पर पानी बह रहा है तो कहीं बाढ़ से तबाही मची हुई है। बिहार का नवादा हो या बगहा, ज्यादातर जिलों का हाल लगभग एक जैसा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। यही नहीं, राजस्थान के राजसमंद में तो एक स्कूल में ही पानी भर गया, जिसने बच्चों की परेशानी और बढ़ा दी। दो तस्वीरें बिहार से और तीसरी तस्वीर राजस्थान से आप देख रहे हैं। बिहार के नवादा में भारी बारिश के बाद से नदियों में उफान है। मूसलाधार बारिश की वजह से ककोलत वाटरफॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस वक्त अचानक वाटरफॉल का पानी बढ़ा, उस समय 20 से ज्यादा सैलानी वाटरफॉल के पास मौजूद थे। एहतियातन प्रशासन ने ककोलत वाटरफॉल को खाली करा लिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच सैलाब का डर बना हुआ है। बिहार के नवादा से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर अचानक वाटरफॉल में पानी बढ़ गया। तो सिर्फ बिहार और राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मुंबई पर तो अगले 5 दिन भारी है। मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर और पुणे में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। रत्नागिरी, नासिक समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में तो बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने की भी आशंका जताई गई है। वहीं बिहार के बगहा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ मसान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ से बचने के लिए नदी पर बनाया गया बांध बह गया। अब कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से गांव वाले दहशत में नजर आ रहे हैं। बिहार के बगहा से ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ बांध टूटने के बाद कई गाँव पर अब बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा हालात रायगढ़ में खराब दिखाई दिए, जहां पर दो कारें पानी में डूबी दिखाई दी। कार के अगल बगल से सैलाब बहता दिखाई दिया। दोनों कारें आधी पानी में डूब चुकी थी। सड़क पर सैलाब ऐसे उमड़ पड़ा था मानो कोई उफनती नदी हो। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते सड़कों पर पानी बहने लगा। कई जगहों पर तो सड़कें दरिया बनी नजर आई। कई निचले इलाकों में घर डूबे नजर आए। चारों तरफ बाढ़ का विकराल रूप दिखाई देने लगा। लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और रायगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। चीन से बढ़ते तनाव और हमले के खतरे को देखते हुए जापान ने ताइवान के नजदीक तेल और हथियारों का डिपो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए उनके देश ने कमर कस ली है, और इसके लिए जापान की सेना ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक चीन को उसकी ही मांद में घेरने के लिए जापान ने बेहद शातिर प्लान तैयार किया है। उसने ऐसी रणनीति बनाई है जिसकी मदद से वो ताइवान के करीब रहकर ही आसानी से चीन का जवाब दे सकेगा। यानी अगर चीन ने उस पर हमले की सोची भी तो उसे तुरंत करारा जवाब मिलेगा।
इसके साथ ही ताइवान पर चीन के हमले के हालात में जापान उसे जल्द मदद भी पहुंचा पाएगा। असल में जापान ने ताइवान के नजदीक ही द्वीपों के एक समूह पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने का ऐलान किया है। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक उनका देश चीन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी ताकत से जुटा है, और यही वजह है कि जापान ने अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए वो अपने रक्षा बजट में भी दुगनी बढ़ोतरी करने जा रहा है, क्योंकि पहले से ही उसका दुश्मन रहा चीन अब और भी बुरी तरह भड़क गया है। चीन ने जब ताइवान पर आंखें तरेरी तो जापान सीना तान कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने साफ कर दिया कि अब ज्यादा दिनों तक चीन की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। बस इसी बात से खुद को दक्षिण चीन सागर का बादशाह समझने वाले चीन की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पिछले महीने की शुरुआत में मिलिट्री ड्रिल के बहाने जो मिसाइलें दागी उनमें 5 जापान के करीब जाकर गिनी थी। माना जाता है कि चीन ने ऐसा करके जापान को चेतावनी दी थी। चीन की इसी हरकत के बाद जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी, और खबर तो ये भी आई थी कि जापान चीन को चित करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाने जा रहा है। इसके साथ ही वो ऐसे ड्रोन बनाने में भी जुटा है जिससे चीन के जंगी जहाजों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि चीन कई बार जापान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में अपने युद्धपोत भेज चुका है। जापान ने चीन की ऐसी हरकतों पर कई बार सख्त एतराज भी जताया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने भी चीन को उसके नजदीक रहकर ही जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए जापान पूर्वी चीन सागर के नानसे आइलैंड्स पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने जा रहा है। नानसे द्वीपों का एक समूह है जो ताइवान के दक्षिण में मौजूद है और वहां से महज 161 किलोमीटर दूर है, जबकि अब तक जापान ने अपने हथियारों के जखीरे का करीब 70% हिस्सा होकाइडो द्वीप पर जमा कर रखा है, जो कि उसके उत्तर की तरफ पड़ता है। होकाइडो द्वीप की ताइवान से दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ताइवान से होकाइडो द्वीप की इसी दूरी ने जापान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन आए दिन अपने दुश्मनों को मिटा देने की धमकी देता रहता है। यानी ताइवान और जापान दोनों हमेशा उसके निशाने पर बने हुए हैं, लेकिन जापान के हथियारों का सबसे बड़ा भंडार ताइवान स्टेट से इतनी दूर है कि अगर चीन ने हमला कर दिया तो उसे पलटवार करने में बहुत देर हो जाएगी। यही वजह है कि जापान नानसे आइसलैंड पर आधुनिक हथियारों का एक डिपो तैयार करेगा, जहां पे एक द्वीप पर घातक मिसाइलें तैनात करेगा। इसके साथ ही जापान वहां बड़ी मात्रा में तेल जमा करके भी रखेगा। जापान ने दावा किया कि उसके पास रिजर्व में इतना तेल है जिसका 5 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी सेना को ताइवान स्टेट में जाकर लड़ना पड़ा तो ये तेल भंडार उसके लिए नाकाफी साबित होगा। उधर मध्य अफ्रीकी देश कांगो से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उद्घाटन होते ही एक पुल गिर गया। बताया गया कि बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी को देखते हुए हाल ही में इस पुल को बनाया गया था, जिसके उद्घाटन के वक्त ही यह हादसा हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पुल का उद्घाटन करने के लिए जैसे ही अफसरों ने रिबन काटा वो पुल गिर गया। ऐसे में उस पर मौजूद अफसरों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। इस बीच वहां मौजूद एक महिला को कुछ लोगों ने पुल से किसी तरह नीचे उतार लिया, लेकिन बाकी अधिकारियों को नीचे उतारने की जद्दोजहद जारी रही। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें भी एक एक करके नीचे उतार लिया गया। गनीमत यह रही कि वो गिरने से बच गए, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती थी। लेकिन इस घटना ने पुल को बनाने में हुए घोटाले की पोल खोलकर रख दी।